अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अहमद रज़ा है। आप देख रहे हैं चैनल लर्न ब्रेल विद मोहम्मद आसिफ़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 के वर्ड मीनिंग्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ड्रग एडिक्शन। इसके टोटल पैराग्राफ की तादाद है 6। इसमें मैं हर पैराग्राफ में यूज़ किए जाने वाले वर्ड टफ वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग्स रिकॉर्ड करूँगा, उसके साथ उसकी स्पेलिंग रिकॉर्ड करूँगा। सो पहला जो पैराग्राफ है उसका पहला वर्ड है सब्सटेंस। इसकी स्पेलिंग है SUBSTANCE, सब्सटेंस। इसका मानी है मादा, दूसरा मानी है शय। अगला वर्ड है डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, डिस्टर्बेंस। इसका मानी है इंतशार, फैलाना। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, इसका पहला वर्ड है डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक। इसका मायनी है घरेलू। अगला वर्ड है एडवेंचर, इसकी स्पेलिंग है ADVENTURE, एडवेंचर। इसका मायनी है मुहिम। अगला वर्ड है डिसकॉन्टेंटेड, DISCONTENTED, डिसकॉन्टेंटेड। इसका मायनी है गैर मुतमाइन। अगला वर्ड है बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड। इसका मानी है पस मंज़र। अगला वर्ड है सीक, SEEK, सीक। इसका मानी है जस्तजू करना। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, इसका पहला वर्ड है मेजर, MEASURE, मेजर। इसका मानी है इकदाम। अगला वर्ड है रिहेबिलिटेशन, REHABILITATION, रिहेबिलिटेशन। इसका मायनी है बहाली। अगला वर्ड है टैबो, TABBO, टैबो। इसका मायनी है हराम। अगला वर्ड है आउटकास्ट, OUTCAST, आउटकास्ट। इसका मायनी है जिसे ज़ात से निकाल दिया जाए। अगला वर्ड है काउंसलिंग, COUNSELING, काउंसलिंग। इसका मायनी है मशवरा। इसे स्पेलिंग रिपीट कर देता हूँ, COUNSELING, काउंसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम्बेरेस्ड, EMBARRASED, एम्बेरेस्ड। इसका मायनी है हरासा करना, दूसरा मानी है शर्मिंदा होना। अगला वर्ड है लैक, LACK, लैक। इसका मायनी है कमी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4, इसका पहला वर्ड है कोऑपरेशन, COOPERATION, कोऑपरेशन। इसका मानी है ताउन। अगला वर्ड है देयरफॉर, इसका मानी है ताहम। अगला वर्ड है सफरर्स, SUFFERERS, सफरर्स। इसका मानी है मुतासरीन। पैराग्राफ 5, इसका पहला वर्ड है फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। इसका मानी है सबब। अगला वर्ड है अब्यूज़र्स, ABUSERS, अब्यूज़र्स। इसका मायनी है गलत इस्तेमाल करने वाले, अब्यूज़र गलत इस्तेमाल करने वाला। और अगला वर्ड है रिलैप्स, RELAPSE, रिलैप्स। इसका मायनी है आदत ख़त्म होने के बाद। अगला वर्ड है नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 6, इसका पहला वर्ड है सीरियस, SERIOUS, सीरियस। इसका मायनी है संगीन। अगला वर्ड है अंडरगो, UNDERGO, अंडरगो। इसका मायनी है अमल से गुजरना। अगला वर्ड है वाव, VOW, वाव। इसका मायनी है किस्म। अगला वर्ड है मीनिंगफुल, MEANFUL, मीनिंगफुल। इसका मायनी है बामायनी। अगला वर्ड है फर्मली, FIRMLY, फर्मली। इसका मायनी है मजबूती से। सो ये चैप्टर नंबर 8 के वर्ड मीनिंग्स है जो कि मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने इस वीडियो से बेनिफिट हासिल किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमसे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।